चतरा उपेंद्र नाथ वर्मा इंटर कॉलेज स्थित परीक्षा केंद्र पर जेपीएससी 11 के छात्रों का हंगामा। बता दें कि उपेंद्र नाथ वर्मा इंटर कॉलेज स्थित परीक्षा केंद्र पर जेपीएससी 11 के छात्रों ने हंगामा किया। परीक्षा केंद्र प्रबंधन पर परीक्षा से पूर्व प्रश्न पत्र लीक करने का आरोप लगाकर कर रहे नारेबाजी। परीक्षा से पूर्व क्लास के बजाय प्रिंसिपल चैंबर में प्रश्न पत्र खोलने का छात्रों ने आरोप लगाया। हंगामा की सूचना पाकर दलबल के साथ मौके पर पहुंची पुलिस व दंडाधिकारी, उसके बाद मौके पर एक एक कर अधिकारी पहुंचते रहे। बता दें कि सदर अनुमंडल पदाधिकारी सुदेंद्र उराव, डीएसपी मुख्यालय रोहित कुमार रजवाल व एसडीपीओ संदीप सुमन हंगामा कर रहे छात्र छात्राओं को शांत कराने का किया प्रयास। बाद में डीडीसी, डीसी व एसपी उपेंद्र नाथ वर्मा इंटर कॉलेज स्थित परीक्षा केंद्र पर पहुंचे। पूरे मामले में अपर समाहर्ता शाह नोडल पदाधिकारी अरविंद कुमार ने प्रश्न पत्र लीक होने से किया इनकार। कहा, नियम संगत दंडाधिकारी व छात्रों के मौजूदगी से खोला गया है प्रश्न पत्र, पूरी प्रक्रिया की कराई गई है वीडियो रिकॉर्डिंग। डीडीसी पवन कुमार मंडल व अपर समाहर्ता समेत पुलिस और प्रशासन के अधिकारी है मौके पर मौजूद। हंगामा कर रही छात्राओं का आरोप चंद छात्रों को विश्वास से लेकर खोला गया और सील ऑलरेडी खुला रहा था, तो कुछ लोगों को अंदर भेज दिया गया और वो लोग चले गए एग्जाम देने। तुमने एग्जाम लिखी क्यों? क्योंकि सील ऑलरेडी खुला हुआ था और झारखंड के कितने भी छोटे छोटे एग्जाम इससे पहले जो दिए हैं सब में सील बंद रहता है और स्टूडेंट के साइन करने के बाद खुलता है, और ये झारखंड का सबसे बड़ा एग्जाम माना जाता है। इसमें बोला इंस्ट्रक्शन चेंज हो गया। आप लोग खुद से निकले या फिर निकाला गया आप लोगों को? नहीं निकाला नहीं गया, सील खुली होने की वजह से कुछ लोगों ने ऑलरेडी मतलब। तो आखिर आप लोगों के सामने नहीं सील खुला? अगर मैंने पहले से खुला पेपर 10 मिनट लेट से मिला। नहीं नहीं, क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है कि नहीं हुआ ये बताइए, इसके बारे में तो नहीं कह सकते। पर सील खुली हुई, मैंने सील खुला हुआ था इसीलिए आप लोग एग्जाम नहीं लिखे। क्या नाम? कहाँ से आए हैं? हजारीबाग। का आरोप लगाया सर, क्या है पूरा मामला सर, विस्तार से बताइए। मामला इस सेंटर पे सर, जब उसका क्वेश्चन पेपर सील बक्से में आया है और आने के बाद जो जेपीएससी का एसओपी के अनुसार उसको तीन स्टूडेंट के केंद्राधीक्षक और स्टेटिंग मजिस्ट्रेट के उपस्थिति में वीडियोग्राफी की उपस्थिति में खोला जाना था, उसी के अनुसार खोला गया क्वेश्चन पेपर और बाकी सभी रूम में उसको उपलब्ध करवाया गया। कुछ बच्चों के द्वारा इसमें शिकायत की गई कि नहीं, हम लोग के सभी के सामने खोला जाना चाहिए था, तो वो संभव नहीं था सभी के सामने खोला जाए, और वही कन्फ्यूजन में कुछ बच्चों ने इनका विरोध किया। बाकी सभी बच्चों ने एग्जाम सही सलामत सही ढंग से। कितने बच्चे उपस्थित रहे परीक्षा में? कितने वो अभी हम लोग उसका डाटा बना रहे हैं, कितने बच्चे उपस्थित अनुपस्थित अभी हम बता देंगे आपको। और जो विरोध कर रहे थे बहुत कम ही बच्चे थे जिन्होंने विरोध किया। कुछ बच्चे का आरोप है सर, तीन छात्राओं के बीच खोला गया था, तो छात्राओं ने बोल रहा है कि जो तीन कैंडिडेट हैं उन लोगों को शामिल किया जाए। कौन छात्र जो तीन लोग थे? वो छात्र का नाम है, वो एग्जाम दे रहे थे, उनको जब भी चाहना है वो बता देंगे उनके लिए। अच्छा, एक हैंडीकैप लड़की है सर, वो बता रही है कि यहाँ अधिकारी के साथ उनके साथ वसूली की गई है। नहीं ऐसी कोई बात, जूता से मारने के बाद ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ बहुत सारे मजिस्ट्रेट सीनियर अफसर सभी उपलब्ध थे, उनके उपस्थिति में सभी को समझाया जा रहा था। कुछ ही लोग जो थे, दो चार पाँच दस लोग जो इसका घोर विरोध कर रहे थे, वही लोगों को भड़का रहे थे, बाकी सभी लोगों ने शांतिपूर्ण एग्जाम दिया।